हो गई है। अल्लाह पाक उस बच्ची को जन्नत में आलम कांत फरमाए और बच्ची की वजह से वसीले से अल्लाह पाक उनको उनके माँ बाप को बख्श दे। सिमाब हैं हमारी सिस्टर, हमें देखती हैं माशाल्लाह, उनकी बहुत मोहब्बत है। 10 मिनट से भी कम रह गया टाइम, बस खा लिया थोड़ा। ये वो चलें जी चाय पीते हैं। ये वो क्या करना जी, आया जरा फायर करेटर ठीक है, फायर ब्रिगेडर ठीक है। वाह फायर ब्रिगेडियर, वाह क्या बात है, तू इन्होंने फायर है, आप फायर हो आग को आग। हाँ जी अच्छा, इसमें जो गैस है इसको क्या कहते हैं, जिसमें गैस है इसको क्या कहते हैं? गैस है ब्रिगेडर। फ्रेश होने के लिए ना काफी मतलब इसलिए चाय पिएगा। वाह जी वाह क्या बात है, तेरिया सोने हर किसी का है, हर चीज का अपना अपना जायका है, अपना अपना। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है, ठीक ठाक हैं, खुशियाँ तबीयत से ठीक आई हो? बिल्कुल ठीक होंगे, हम भी ठीक ठाक, अल्लाह का करम शुक्र अज़ात पाक का एहसान है, मालिक का तर्स है जी। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे जो हमारी वीडियो पे आ चुके हैं। वीडियो को लाजमी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बहुत मेहरबानी। बाकायदा जो है अभी फ्रेंडली शहरी का जो व्लॉग है वो हो गया स्टार्ट, इसमें चंद बातें अहम भी हैं और ज़रूरी भी हैं जो आपको इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है, कुछ हकीकत है वो भी बतानी है। तो हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियो छोड़ के जो है ना आपने कहीं नहीं जाना, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। वीडियो फुल वॉच करेंगे तो आपको सारे हाल अहवाल का पता चलेगा कि टोटल जो है क्या हाल चाल मतलब है, क्या हकीकत है, क्या हकीकत खुली है, क्या हकीकत रह गई है, ये सारा जो है आपके साथ शेयर किया जाएगा, ठीक है जी। वीडियो मुकम्मल देखेंगे तो ही इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि आज मैंने कौन सी बात बताई है, ठीक हो गया जी। प्यारे बहन भाई अल्लाह खुश रखे। तो यहाँ पे बलोच हाउस पॉइंट पहुँच चुका हूँ मैं, ये देखें, फिर अंदर जो चलते हैं देखते हैं क्या हो रहा है। चलो गाइस प्यारे बहन भाई अहमदाबाद पहुँच चुके हैं, ये देखें मसरूफ है, ऐसे बाद में करते हैं। यहाँ पे फ़ोन भी आ रहा है, किसी का फ़ोन सुन लो। ये देखें मौल साहब, सलाम अलैकुम साहब, क्या ठीक हो, खुश हो, क्या चाहिए वजी यार कटोरी अच्छा आज मैं भी कद्दू पकवाया नहीं, मेरा भी कद्दू है। हाँ जी अपनी जिंदगी बनाई है, मगर ये सियाणा ही मगर ये सियाणा ही सियाणा। अस्सलाम वालेकुम, पूरी रात ही सोए जी इधर, कोई मसला नहीं यार, वो तो बताना कोई मसला हो तो बताना। नहीं 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 आपके होते हुए आपके होते क्या कह रहा है, समझानू मेरा जानू जानू मेरा मानू मेरा जानू मेरा गानू। वाह 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 वाह, मुझे किधर जा रहे हो, क्या काम है यार, थोड़ा सा मुझे टाइम दे दे, ठीक है थोड़ा सा टाइम दे दे मुझे, फिर वापस आ जाओ, जस्ट ठीक है, जस्ट जस्ट ज़रूरी काम करना है। प्यारे व्यूअर, मैं जो है अभी यहाँ पे पहुँच गया था, मोबाइल का जो है ना कैमरा जो है ना वो बंद हो गया था, काफ़ी देर ट्राई करने के बाद अभी चल गया, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, मोबाइल का कैमरा जो है ना वो रुक जाता है, और कई दफ़ा बोल चुके हैं कि इसमें हमारी वीडियो लेट हो जाती है, हमारे क्लिप्स वगैरह जो लेट हो जाते हैं, इसलिए बड़ा बहुत ही नहायत ही अफसोस है। तो अल्लाह पाक जो है ना इस मोबाइल को बरकत दे, ठीक है, इसका कैमरा ठीक हो जाए। उसके बाद जी सैयदा सिमाब हैं हमारी सिस्टर, हमें देखती हैं माशाल्लाह, उनकी बहुत मोहब्बत है हमारे लिए और उनके लिए हमारे यहाँ मोहब्बत है, बहन भाई हमारा रिश्ता है जी। सैयदा सिमाब जो है उन्होंने कमेंट किया कि आपका जो व्लॉग है उसमें चेंज भी लाएँ थोड़ा सा, तो समीना के बारे में उन्होंने कहा कि ये अब तबीयत उसकी ख़राब है या क्या मसला है, कि हंसी जो हंसती नहीं है, मैं तो हंसता देखना चाहती हूँ, तो ये क्यों नहीं हंसती है,
तो सैयद आसिम आप सुन रही होंगी, देख रही होंगी, अब यही आपको बताएंगी और उसके बाद नेक्स्ट सिस्टर उसका भी जिक्र करना है। जी सिस्टर, परेशान ना हो, ऐसी कोई बात नहीं, मैं हंसती रहती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है मुझे, माशाल्लाह लाख लाख शुक्र है अल्लाह पाक का। जितना इंसान शुक्र अदा करे उतना कम है, क्योंकि वो बेनियाज जात है, जो दुख चाहे जो सुख चाहे कोई तकलीफ हो परेशानी हो सब कुछ उनकी तरफ से होता है। बिल्कुल, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे जाना वीडियो देखती हैं, हमें लाइक भी करती हैं, हमसे मोहब्बत करती हैं, तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। हाँ जी, ठीक है। और आपने ना मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करनी है माह रमजान के सदके, मेरी तो बीमारियाँ जो परेशानी। सैयदा सिमा डियर सिस्टर आपसे रिक्वेस्ट कर रही हैं कि इनके लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है, और मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये अकेले नहीं, मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको, हमारे लिए दुआ करें, हम आपके लिए दुआ करते हैं, एक दूसरे के लिए दुआ करते रहना चाहिए। हाँ, और एक दूसरे जो हमारे व्लॉग हैं वो शेयर भी करना चाहिए सैयदा सिमाब सिस्टर, तो ये मुझे पता चला है कि लाइक भी हो जाती है आपकी और आपका जो है कमेंट भी हो जाता है, लेकिन शेयर का हमें पता नहीं चलता। अगर आप इसको शेयर नहीं करते तो इसको लाजमी शेयर कर दिया करें अपने रिश्तेदारों में, तो जो भी आपके कॉन्टेंट में हैं, कॉन्टेक्ट में हैं, उनके मतलब जो हैं वो व्हाट्सएप पे ना उनको लिंक शेयर कर दिया करें वीडियो की, ताकि वो भी देख लिया करें। दूसरा जो हमारी सिस्टर है, बहुत ही प्यारी सिस्टर, पता नहीं वो कहाँ से देख लिया, मैं उनका नाम लूँगा तो फिर उसका जवाब आएगा कि वो कहाँ पर रहती हैं, वो हमें ये बताएंगी। वो भी हमारी वीडियो पर डेली वर्क करती हैं, मतलब डेली देखती हैं, कोई एक वीडियो मिस नहीं करती हैं। तो वो हैं जी नादिया मलिक। तो नादिया मलिक सिस्टर, आपने बताना है कि आप कहाँ से हैं और हमारे व्लॉग कब से देख रही हैं, और माशाल्लाह मुझे पता चलता है आप मेरी वीडियो पे मेरे ख्याल में जब आपको टाइम मिलता है ज़रूर आप आ जाती हैं, और आपका प्यारा सा कॉमेंट भी ऐसे दिल पर लगता है माशाल्लाह सिस्टर, जो आप कॉमेंट वगैरह करती हैं और वीडियो देखती हैं। तो नादिया मलिक हैं जी, तो उनके लिए आप पैगाम देना चाहें कोई। सॉरी सिस्टर जी, फिर कैमरा जो है ना बंद हो गया था, डिस्कनेक्ट हो गए थे जी, तो फिर दोबारा इसको ऑन किया तो फिर बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी, पता नहीं कहाँ पे थे। आप बोल रही थी उनके बारे में नादिया मलिक के लिए जो सिस्टर जी, है जी। नादिया मलिक सिस्टर, बहुत बहुत आपका शुक्रिया तहे दिल से, माशाल्लाह आप जो है ना हमारी वीडियो देखती हैं, और ज़रूर ज़रूर जो भी वीडियो देखते हैं आप प्यारा सा कॉमेंट भी करती हैं, आपके लिए बहुत सारी दुआएँ हैं, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, ऐसे जो है ना हमारे साथ आप जुड़ी रहे हैं, आपके लिए तहे दिल से मैं भी दुआ करती हूँ, माह रमजान आमीन आमीन आमीन, एक महीने के सब किया अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियाँ बीमारियाँ मुसीबतें दूर फरमाया, आमीन, में माल में बरकत अता फरमाया, आमीन आमीन। तो आपने बताना ज़रूर है कि आपको हमें किधर से देख रही हैं, कहाँ रहती हैं, ठीक है, और आप जो है ना मेरे लिए बहुत सारी दुआएँ भी कर दी हैं, आमीन आमीन। तो ये पैगाम चला गया जी नादिया मलिक सिस्टर के लिए, उन्होंने भी दुआ करनी है और दुआएं भी लेनी है। वैसे हम हाँ हर देखने वाले जितने भी ऑडियंस हैं सबको सबके लिए दुआ करते हैं, और वो भी हमारे लिए दुआ किया करें, हाँ जी। दुआओं की सख्त ज़रूरत है, आपकी दुआ से जो है ना अल्लाह पाक कोई वसीला बन जाए, आपकी दुआओं से कब जो है किसी बंदे की दुआ कब जो है कबूल हो जाए पता नहीं चलता, ठीक है, अल्लाह ताला कबूल फरमा लेता है। तो सत्य ही कह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, हर मसले हल हो जाते हैं जब अल्लाह पाक चाहता है, तो वही होता है, इंसान तो कुछ और सोचता है, अल्लाह पाक है जो अल्लाह पाक चाहता है। हाँ जी, ये हुई ना बात। हाँ। माशाल्लाह जी, हमारी एक और सिस्टर भी हैं जिनका नाम हम लेना जो है पसंद करेंगे, और उनका नाम जो है ना वो शामिल करना है इस व्लॉग में, तो वो हैं हमारी प्यारी सिस्टर, इनकी फैमिली डॉक्टर, इनकी समीना की डॉक्टर, स्पेशली समीना की डॉक्टर साहबा। तो क्या नाम है डॉक्टर साहबा का? शाबानो। ओ माशाल्लाह, सिस्टर शाबानो जो हैं, डॉक्टर साहबा जो हैं वो पिशावर से देखती हैं हमें, तो उनसे भी जो है ना वो भी डेली रूटीन वाइज जो है देखती हैं,
कभी कोई मसला मसाइल ज़्यादा बिजी होती हैं तो कहती हैं कि जब मैं बिजी होती हूँ तो नहीं देख पाती, लेकिन बाद में देख लेती हैं। ठीक है जी, तो सारे हालात उनके सामने होते हैं क्योंकि वो वीडियो फुल वॉच करती है, उनको समझ आती है क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई। ठीक है, तो उसके मुताबिक कॉमेंट कर देना, पता चल जाता है। और उसके बाद जो है ना, कुछ लोग ऐसे भी हैं बेचारे जो थोड़ा वीडियो को चला के फिर चले जाते हैं, जल्दी जल्दी कॉमेंट कर देते हैं। अब उनको ये पता नहीं है वीडियो में क्या है, एंड तक क्या होना है, क्या करना है, ऐसे कॉमेंट करके चले जाते हैं। तो ये बात अच्छी नहीं है। मेरी बहुत ही प्यारी सिस्टर है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको बहुत सारी दुआएं देती हूँ, बहुत सारी, बहुत ज्यादा। अल्लाह पाक ने ना मेरे लिए एक हीला वसीला बनाया था, क्योंकि काफी दिनों से मैं इतनी परेशान थी, इतनी बीमारी की हालत में थी। इस वीडियो के जरिए जो है ना उनसे हमारा रابطہ हुआ है, माशाल्लाह उन्होंने हमारी ट्रीटमेंट की है, इलाज किया है। मैं आज आपके आपके सामने बैठी हूँ। हो सकता था कि वो मुझे ना मिलती तो मैं इस दुनिया से भी चल बसती, इतनी मेरी हालत थी। बहुत आपकी जो है ना उम्र दराज फरमाए, आपका साया मेरा साया, आमीन। और उनकी जो है ना बच्चों के साथ सिस्टर होगी और उनकी बेटी होगी, सब जो है ना बड़े शौक से हमारे व्लॉग देखते हैं। जी जी, उनके नवासे हो गए, सबको मेरी तरफ से सलाम हो गया, प्यार हो गया और बहुत सारी दुआएं होगी। डॉक्टर शाहबानो, डॉक्टर शाहबानो और यहाँ पे जी मौजा मलिक जो है खाना खा चुका है, सहरी खा चुका है, अब बैठा होगा मेरे। लस्सी पिया है हो? सत्ते ही खैरा, क्या बात है तेरी। अब चाय पी ली है बस। अब चाय के लिए बैठे हो, लस्सी पी के फिर चाय पियोगे? हाँ जी। यार ये कैसी बेवकूफाना काम है, लस्सी पी के चाय पीते हो यार? हजम हो जाएगी, इसलिए चाय पिएगा। वाह जी वाह, क्या बात है तेरी। हर किसी का, हर चीज का अपना अपना जायका है, अपना अपना मजा है ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल सही। गुड वेलकम, ना मन मन मुराद, ना मन ना मुराद। हाँ जी, मानने वाली बात है जी, बिल्कुल ओके हो गया जी। चलें जी, मैं ना इधर बाहर मैं पानी शानी जो है चेक करता हूँ, क्योंकि आज पानी ज़रूरत होना है और बिजली का पता नहीं है। बारिश का मौसम जो है वो बना हुआ है सारी रात का, आज भी तकरीबन बारिश का बताया गया है, फिर बारिश आंधी भी होता ही है, बारिश जो है ना वो नहीं है, लेकिन बिजली काफ़ी देर बंद रही है, फिर बिजली जो है आ चुकी है। तो पहले वाटर पानी का इंतजाम मैं वैसे कर रहा हूँ नहाने के लिए ना, तो बड़ी परेशानी बनती है, मैं वहाँ चेक करके ना फिर आता हूँ। अगर मोटर चलानी है तो वो भी चला दूंगा, पानी फुल जो है वो करना लाजमी है। तो यहाँ पे जी वॉल्व जो है ये खुला हुआ है और ये टूटी, कितना प्रेशर है इसमें, ये पानी अभी है इसमें। ठीक है जी, तो मैं एहतियातन जो है मोटर को चला लेता हूँ ताकि पता लगे कि टैंकी ऊपर फुल है। ठीक है जी, ये है मोटर मेरी और इधर से बटन मारूंगा, ये देखिए चल गई है। ये पानी पूरा हो जाएगा ना तो फिर बंद कर देगा। ओके जी, यहाँ पे ये देखें डोने मोने ये कैसे सो रहे हैं, देखें बेचारे सोए पड़े हैं। आमना भी है, एहसान भी है, बहरान भी है और मेरी प्यारी बच्ची जैनब भी है। ठीक हो गया जी, तो यहाँ पे ये सारे सोते रहते हैं ना जी। तो अभी ना मैं फिर सारी रात का जागता हूँ, तो अभी मैं ना यहाँ पे ना आके सो जाऊँगा, रेस्ट करेंगे, नमाज़ पढ़ने के बाद सो जाएंगे जी। काफ़ी देर से चलाई हुई थी, अभी मैंने इसको बंद कर दिया है। तो अब पानी पूरा है, तसल्ली है कि अगर लाइट नहीं आएगी तो पानी इंशाल्लाह ताला मौजूद होगा। ठीक है जी, पानी का जो है ना प्रॉब्लम ना हो, फ्रेश होने के लिए ना काफ़ी मत्ता बन जाता है, फिर बिजली का इंतजार करना पड़ता है, पानी पता हो गया। ठीक हो गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैंने भी जो है ना सैरी कर ली थी और मदम ने भी सैरी कर ली, अब चाय पी रहा है, लेकिन मैडम रहती थी। मां जी आपका हो गया था, अभी खा रही हैं, टाइम थोड़ा है, काफ़ी 10 मिनट से भी कम रह गया टाइम, बस खा लिए, बस ये थोड़ा सा रह गया। अच्छा चलो जी, माशाल्लाह ये चाय मेरे वास्ते पई है। वाह क्या बिस्मिल्लाह करो ना बेड़ा हो। अच्छा हां मजाल है, सही मजाल मजाल।
चिको मजाल चिको थोड़ा रह गया खींचो ये वो ये वो चलें जी चाय पीते हैं ये वो क्या करना जी। तो अभी उन्होंने रोटी जो है मजीद पकानी भी है पेड़ रखे हुए हैं हाँ वो आटा भी रखा हुआ है तो फिर ये सैरी मुकम्मल कर लें बाद में ना फिर पका भी रहेंगे ऐसे जी जी बिल्कुल यू आर राइट आई एम फाइट वाह फायर 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 किसको बोलते हैं फायर जरा फायर कर फायर करने हो फायर आते हैं फायर कहते हैं आग को देखो आग आग मैं फायर हूँ क्या आग हूँ आपको आग लगता हूँ मैं आओ लगाओ मुझे या मैं आ रहा हूँ आपको लगता हूँ आग नहीं आग आग लाग बल गई क्या आग लाग लाग फायर फायर वो फायर वो कहते हैं ना वो जब कहीं पे पाकिस्तान में है जहाँ पे किसी की जगह पे किसी पे आग लगी हुई हो और वो आग बुझाने वाली जब टीम वो गाड़ी लेके आती है आग बुझाती है उसको कहते हैं फायर ब्रिगेड ब्रिगेडर ठीक है फायर ब्रिगेडर ठीक है तो आग हो गई आग वो ब्रिगेडर हो गया फिर आग बुझाने वाला जो है ना फायर हो फायर आग को कहते हैं वो नहीं कि कोई फायर करे तो वो कमाल बंदे हैं यार मतलब पैना डाल दी गोली मारी थी मत्थे मेरे पैना डाल अच्छा दी गोली इसको लगेगी ना माथे पे फिर और ठिकाने आ जाएगा इसको जी पोस्ट ऑन फोर डबल फोर्ट मैफनिक डीएस जो होती है डबल या सिंगल ये इनको रास नहीं आती इसको फौरन जो है ना एलर्जी हो जाती है रिएक्शन कर देती है हाँ जी तो वो हम इस्तेमाल नहीं करवाते डॉक्टर साहबा ये सेंसिटिव हैं डबल पोस्टॉन थे सेंसिटिव हैं पोस्टॉन फोर्ट मैफनिक डीएस मीफेनमिक एस्टर जो है ना 500 भी और 250 भी इन पे सूट नहीं करता ठीक है जी तो ये हम इसको नहीं खिलाते क्योंकि खुजली सारा एकदम खुजली वाह फायर ब्रिगेड यार वाह क्या बात है तू इन्होंने फायर है आप फायर हो मैं तो बोलो आप जहर हो जहर। आप साथ हो जहर हो सामने हो ये तो नहीं कि आप फायर हो आप अच्छा आप क्या बोलते हो कोई फायर उसको कहते हैं फायर मारता है नहीं नहीं किसको कहते हैं आग को आग हाँ जी हाँ बढ़िया अच्छा इसमें जो गैस है इसको क्या कहते हैं जिसमें गैस है इसको क्या कहते हैं गैस है बर्गेटर जिसमें गैस है अभी भी गैस इसमें है इसको क्या कहते हैं क्या बोलना था ना सिलेंडर है और नई चीज आ गई नहीं आपसे डर आपसे आपसे ना खौफ आ गया कि कोई बात इसको कुछ और ना कहते ये सिलेंडर नहीं है मतलब इसने मुझे आग ही समझ लिया है डर गया है आप ना आग बुलाते तो वो भी ना डरता भी जा रहा उसको भी डरा दिया डरना चाहिए क्योंकि जो घर का सरबराह होता है ना उससे डरना चाहिए मैं डर चलो जाओ मेरा बेटा भी डर चलो जाओ मैं नहीं बोलता आपसे चलो हंसना सीरियस हो जाओ हंसना नहीं है सीरियस मैटर है मैं ऐसे बात नहीं करना चाहता बस चुप 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 चलो बंद कर देते हैं यार एक बार स्टैम जो है ख़त्म हो चुका है रोजा का और हमने खाना पीना जो है वो मुल्की कहने पर बंद कर दिया है तो अभी कुल्ली वगैरह जो है ना कर रहे हैं सब और नियत जो है बांध दी है वादे सो मेरे दिन लगे तो इन रमजान सतारवा रोजा मान रमान जी जी सतारवा रोजा हमारा रमान तो क्या क्या कहते थे नसीब में किया सतारवां रोजा माह रमजान तू खैर क्या करी अल्लाह तो खैर करी तू खैर करी मेरा अल्लाह ओके जी ओके हो गया गुड हो गया जी ये भी बता था मैं कैसे बोल रहे थे फिर आप जहाँ जाने हो रही है तो टाइम खत्म हो गया ना खत्म हो गया बिल्कुल तो रोजा क्योंकि अजान से पहले वो बंद करना चाहिए कुली जो है हमने कर लिया है तो ओके हो गया जी हमारा रोजा तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया जी और आप जो कहीं पे रोजा रख रहे हैं तो पोस्ट आप कमेंट करें वो वीडियो देख रहे होंगे ना तब तक तो
दोपहर हो जाएंगे। हाँ दोपहर की नमाज पढ़ने होंगे। वैसे देखे ना ऑलरेडी पूरे पूरी दुनिया में ना कभी रोजा खोला जाता है, कभी रखा जाता है, कभी दोपहर होती है, कभी रात होती है, कभी शाम होती है, सारा दिन जो ना अजान भी होती है। 24 घंटे अजान, 24 घंटे अजान, दिन हो या रात हो 24 घंटे अजान है, चलती अजान चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। ये अल्लाह का निज़ाम है, चल रहा है जी पूरी दुनिया में, ये बात है। हाँ जी हर तरफ से अल्लाह अकबर की सजा रहती है 24 घंटे 24 घंटे। तो अल्लाह पाक ये रोज़ा हमारे कबूल फरमाए, टूटे फूटे रोज़े मेहनत थोड़ी सी कबूल फरमाए, अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। तो अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, तमाम देखने वालों को बहन भाइयों को भी खुश रखे जी। ओके हो गया जी, वेल डन, गुड। प्यारे बहन भाइयों जिसने व्लॉग देखा होगा, ये बैठा है भाई मुंशी, और डॉक्टर सुल्तान का व्लॉग देखा होगा, सबके व्लॉग देखे होंगे। तो उनमें जिक्र हुआ है, कल की बात है कि एक बच्ची की जो है ना डेथ हो गई है। वो बच्ची कौन है, हमारी क्या लगती है, मुंशी की क्या लगती थी, कितना उम्र थी, क्या था, ये सारा कुछ जो है आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं, बहुत ही अफसोस है। तो मुंशी साहब जो थे कल सारा दिन काम पे लगे रहे, रात को भी नहीं है, शाम को भी नहीं है, तो सारी वक्त अभी चक्कर लगाया था, उन्हें कहा ना ऐसे तलदिया जो है ना वो कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर उनकी मामी भी बैठी है, तो मुंशी बहुत दुख की घड़ी है, बेचारी छोटी बच्ची थी, सही है, वो बेचारी बीमार रहती थी, फौत हो गई है। अल्लाह पाक उस बच्ची को जन्नत में आलम कान फरमाए, और बच्ची की वजह से वसीले से अल्लाह पाक उनको उनके माँ बाप को बख्श दे, जन्नत में दाखिल करे। बाकी जो है सब्र रखना है, दुख होता है, इधर से हमारे अब्बू अम्मी गए हुए हैं, उधर से आपके अब्बू अम्मू वहाँ पे हैं, बहुत ही इसके छोटे चाचा थे जो इसके अब्बू से छोटे हैं हनीफ, उनकी बेटी थी जो बीमार रहती थी बेचारी, डॉक्टर सुल्तान ट्रीटमेंट कराता था, इधर उधर ले जाता था, तो वो ना फिर ज़्यादा ही बीमार रही है, तो फिर हाँ करता था, हाँ जी उनका इलाज करता रहा। तो वो पैदाइशी ना उसको कुछ मार, जब पैदा हुई ना उधर से उनकी दवाई शुरू हो गई, तो बेचारी वो साल की हो गई ना अलग प्यारी होगी मुझे साल। वो ना समीना, वो हम उधर गए थे, दिखाई थी या नहीं दिखाई थी, तकरीबन पता नहीं दिखाई थी, दिखाई थी उस वक्त जब हम गए थे ना, उस वक्त बहुत ज्यादा बीमार थी। नहीं व्लॉग में दिखाया है उसको, नहीं दिखाया ना व्लॉग में, मेरे ख्याल नहीं दिखाया, तो वैसे हमने देखा है ना, नहीं मेरी बात सुनो ना, असलम खान की वीडियो देखते हैं अभी, हाँ। वो राशन देकर आया था, तो उसके मम्मा थी, वो बच्ची भी उन्होंने उठाई हुई थी। अच्छा 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 अच्छा, अभी इसी माह रमजान में जब पहले रोजे को राशन देने गया तो उस वक्त भी वो थी, वीडियो वो पड़ी है। अच्छा ये रोजे से एक दिन पहले की बात हो रही है, क्योंकि रोजे के आ गए थे ना, रोजे पे रमजान शरीफ आ गया, अब घर रहना है, जब असलम खान गए थे ना राशन बांटने के लिए, हाँ उस वक्त उनके घर उनके माली हालात ठीक नहीं है ना, हाँ तो उनको जितनी होती है हम सब ना उनकी हेल्प करते हैं, तो वो राशन देने गया था, उसकी अम्मी ने उठाया था, वो बैठी थी, वो बच्ची उसकी गोद में थी और उसकी अम्मी थी, उसका अब्बू जो है अच्छा 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 हमारी, ठीक है जी, शायद नहीं होगी। और मैडम ये जो आप बात कर रहे हैं, इस बात को फिर पतंगड़ बनाते हैं लोगों के मांगने का तरीका, भाई कुछ नहीं चाहिए, हम उनका हिस्ट्री बता रहे हैं कि बच्ची कौन है, किस तरह है, किस तरह जो है राशन दे के आया है, ये जो है ना ये गलत बात होती है मांगने का तरीका। यार कोई अपनी चीज़ शेयर करता है किसी के साथ, बोल देता है अभी शेयर हो रही है, आपने बात की ना उसकी हेल्प करते थे, तो वो दवाई होती थी, फिर कहेंगे मांगने का तरीका, अब क्या मांगने का तरीका है, बोलें ये अल्लाह पाक से मांगते हैं, हाँ और किसी के हमने जब अल्लाह पाक चाहता है किसी के दिल में डालता है, हाँ। फिर वो आगे जो है हेल्प करता है, वो अगर भेजे भाई आप मुंशी को दे देना, ठीक है 1,000 रुपये किसी ने भेजा मुंशी को दे दो, वो 1,000 रुपये मैंने रख लिया, मुंशी को मैंने नहीं दिया, ठीक है 1,000 रुपये मैंने रख लिया, पीछे जो जिसने दिया है उसका सवाब मुकम्मल उसको मिल जाएगा, ठीक है। आगे मैं अगर आपको नहीं देता तो मेरे पे गुनाह है, और मैं कयामत के दिन आपको देने का हकदार होऊंगा, समझ आइए बात, और 1 रुपया हराम है हमारे पास किसी का जो आया हुआ हम खा गए हूँ, 1 पैसा भी हराम है, बिल्कुल हाँ जी, अल्लाह की ज़ात गवाह खड़ी है, हाँ।
जो चीज़ जितनी जस की होती है उसको दे देते हैं। हाँ जी, ये बात है। चलो जी, हाल वाल हो गया मुंशी साहब से, चलें आप जाएं अपना। नहीं, खाएं सैरी वगैरह करो। नहीं, उधर सैरी करते हैं हम। अच्छा, तो खाना वाना तैयार था, आप तो देख के आए हैं माशाल्लाह। चलें, घर भी तैयार आए, इधर कोई हरकत भी नहीं है। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा। वो हमारे छोटे मामू हैं, आप हमारे बड़े मामू हैं। हाँ जी, फ़र्क नहीं है, फ़र्क नहीं है। सही सही, ठीक हो गया जी। ओके, उधर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उधर मेरे अम्मी अब्बू हैं, भाई हैं। हाँ, आपका आपके जाने का जवाब जो है वो नहीं बनता। बिल्कुल, इधर से भी बुजुर्ग चले गए, उधर भी बुजुर्ग हैं। हाँ, वो सारा हैंडल कर लेंगे। आप इधर काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, करेंगे। हाँ जी, बाकी अल्लाह ख्याल रखे जी। यहाँ पर जी फिर अपना व्लॉग एंड करते हैं जी, मिलते हैं इंशाल्लाह तो नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, साबर भाई जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़ जी। अल्लाह।